नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के हमारे वीडियो में हम लोग पीक्यूसी पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, मतलब रोड का ये जो टाइप है रिजिड पेमेंट का, उसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, पीक्यूसी बाय मैकेनिकल पेवर से पीक्यूसी कैसे करते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में पीक्यूसी क्या है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम जानेंगे। ये पीक्यूसी लेन का प्रैक्टिकल वीडियो है। ये जैसे अभी आप देख रहे हैं एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, उसका एक सेक्शन है, उसके लेन पे पीक्यूसी लेन का चल रहा है। इसमें ये मैकेनिकल पेवर आप देख रहे हैं, ये मैकेनिकल पेवर से पीक्यूसी लेन हो रहा है, और ये पीक्यूसी लेन होते समय सामने में पूरा कॉन्क्रीट डंप किया है, और साइड में आप इधर देख सकते हैं यहाँ डावेल बार्स डालते हैं, इधर आप देख सकते हैं। और ये डावेल बार्स जैसे पीक्यूसी लेइंग होते समय जो एवरी 4.5 मीटर या फिर जो पैनल डिसाइड किया रहता है, सेट किया रहता है, वहाँ ये डावेल बार्स सेट किए जाते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर से पेवर पूरा लेइंग करके जाता है, और ये पीक्यूसी कॉन्क्रीट डालने के बाद में उसके ऊपर से पेवर पूरा लेइंग करते जाता है, और लेइंग होने के बाद में पीछे से इधर आप देख सकते हैं लेवलिंग भी करता है साइड में साथ, इसमें लेवलिंग और फिनिशिंग भी साइड बाय साइड होता रहता है, इधर आप देख सकते हैं। और ये एक दिन में उनका एक पैच या फिर डिसाइड किया रहता है, उसके हिसाब से इनका लेइंग होता है, इधर आप देख सकते हैं। और इसका पीक्यूसिंग रहते समय इसका जनरली पीक्यूसिंग का थिकनेस 300 mm रहता है, और ये एवरी 4.5 मीटर पे उसमें डावल बार डालते हैं, और ये लेइंग होने के बाद में पीछे फिनिशिंग का ये रहता है, वो फिनिशिंग करते रहते हैं। ये अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट है नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग, उसका पीक्यूसी लेइंग का वीडियो है। इसमें देखिए आप, ये यहाँ नाइट में पीक्यूसी हो रहा है, ज़्यादातर पीक्यूसी नाइट में भी करते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से नाइट में भी पीक्यूसी करते हैं। इसमें देखिए आप पीक्यूसी यहाँ कंक्रीट पूरा डंप किया हुआ है, इसमें लगने वाला पीक्यूसी का जो कंक्रीट है वो M40 ग्रेड का कंक्रीट रहता है। ये कंक्रीट डंप होने के बाद में ये पेवर उसको धीरे धीरे लेइंग करके आगे बढ़ता रहता है, और ये आगे होने के बाद में पीछे से पूरा फिनिशिंग या फिर लेवलिंग करते रहता है, और ये इसी स्टैंड मशीन का ये हिस्सा रहता है, और इसे साइड में ये जो स्टैंड दिखता है यहाँ से पूरा लेवलिंग और फिनिशिंग होता है, और उसके बाद में टेक्सचरिंग का एक मशीन रहता है, वो टेक्सचरिंग भी करते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये पेवर से थोड़ा जैसे डावल बार होने के बाद में जो साइड में एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट वो निकालते हैं, और ये ऐसे लेइंग आगे बढ़ रहा है। ये जो प्लास्टिक दिख रहा है प्लास्टिक, इसको हम सेपरेशन मेंबर बोलते हैं, और ये है अपना ग्रो कटिंग, जैसे पीक्यूसी होने के बाद में जो साइड 4.5 मीटर का ये रहता है उसको कटिंग करते हैं। पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट पीक्यूसी। पीक्यूसी एक सीमेंट टाइप सीमेंट कंक्रीट है जो मेनली रिजिड पेवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें लार्ज साइज का एग्रीगेट होता है एज पर आयर्स स्पेसिफिकेशन, और वो पीक्यूसी ड्राई लीन कॉन्क्रीट मतलब DLC के ऊपर किया जाता है, और पीक्यूसी का जनरली लेयर M40 ग्रेड का रहता है, और उसका थिकनेस 300 mm तक रहता है। इसमें अभी DLC और पीक्यूसी उसके बीच में 125 माइक्रोन पॉलीथीन शीट डालते हैं, उसको सेपरेशन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेपरेशन मेम्ब्रेन ये जो रहता है वो DLC और पीक्यूसी को सेपरेट मतलब रखने के लिए डाला जाता है, उसके ऊपर ही पीक्यूसी का लेइंग होता है, और ये पीक्यूसी M40 ग्रेड का रहता है, और इसका डिज़ाइन एज पर IRC 15-2002 के हिसाब से होता है। और पीक्यूसी लेइंग करते समय उसको 4.5 मीटर का पैनल्स बनाते हैं, और एवरी 4.5 मीटर पैनल पे डावल बार्स का प्रोविजन किया जाता है, और ये डावल बार्स जनरली 32 mm डाय के रहते हैं, और उसको 300 mm सेंटर टू सेंटर करके उसको फिक्स करते हैं, और ये एवरी 4.5 मीटर जंक्शन पे या फिर जॉइंट्स पे डालते हैं। ये डबल बार रहते हैं वो जनरली माइल्ड स्टील राउंड बार रहते हैं,
जैसे एक साइड में वो बॉन्डेड रहता है, दूसरे साइड में फ्री रहता है। जैसे बॉन्डेड मतलब पीवीसी का असली उसे फिक्स किया रहता है, और डाउट पर जो ट्रांसफर जॉइंट में फिक्स किया रहता है वो मेनली पार्शियल व्हील लोड ट्रांसफर का काम करता है, जैसे फ्रॉम वन स्लैब टू एडजेसेंट स्लैब, जैसे दोनों पैनल साइड बाय साइड हम कास्ट करते हैं उसके लिए। ये डबल बार जो जो एक्सियल थर्मल एक्सपेंशन है उसको भी उसका भी काम करते हैं, जैसे एक्सियल थर्मल एक्सपेंशन का भी काम करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट स्लैब जो अलॉन्ग एक्सिस ऑफ डोमेन, तो उसके हिसाब से ये बार जनरली माइल्ड स्टील के बार रहते हैं और हाफ साइड उसका पीवीसी स्लीव से कवर किया रहता है और हाफ साइड कॉन्क्रीट में स्लैब में रहता है, और इस हिसाब से ये मेनली लोड ट्रांसफर का एक हिसाब से काम करते हैं। डबल बार का एक एंड पीवीसी कैप से कवर किया रहता है ताकि वो, और दूसरा एंड कंक्रीट में ओपन रहता है ताकि वो मूवमेंट को अलाउ कर सके। मेनली डबल बार का पर्पस टू अवॉइड सेटलमेंट एंड क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू सेटलमेंट, कंक्रीट में जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए इसका मेन पर्पस है। और व्हील लोड ट्रांसफर जो व्हीकल्स का लोड व्हील लोड होता है उसको अक्रॉस द पैनल ट्रांसफर करने के लिए डॉल बार्स का मेन रोल होता है। ग्रुप टी जहाँ एवरी 4.5 मीटर पे हम लोग डॉल बार प्रोवाइड करते हैं वहाँ ग्रुप कटिंग करना जरूरी है। ये ग्रुप कटिंग क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड कंट्रोल जॉइंट्स इन कॉन्क्रीट टू प्रोवाइड क्रैक्स, मतलब वहाँ जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए वहाँ उस जॉइंट पे ग्रुगेटिंग किया जाता है, और ये क्रैक्स कम करके कंक्रीट को लॉन्ग लॉन्ग टर्म डैमेज को बचाया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जॉइंट्स का ग्रो जो भी डेप्थ रहता है वो एज पर ड्राइंग ड्राइंग में मेंशन किया रहता है उसके हिसाब से रहता है। और ये ग्रो कट करने के बाद में उसके अंदर एक सीलन बना जाता है, जैसे कोल्ड अप्लाइड पॉलीसल्फाइड सीलेंट, ये सीलेंट उस ग्रू के अंदर में लगाया जाता है फिर फिक्स किया जाता है। उसके बाद में ये पीक्यूसी नहीं होने के बाद में नेक्स्ट डे क्यूरिंग, क्यूरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्यूरिंग मतलब पॉन्डिंग मेथड से करते हैं, जैसे बन बना करके उसमें पानी डालते हैं या फिर हेसियन गुलाब पे क्या करके उस पर कंटिन्यू में पानी डालते हैं या फिर उसको क्यूरिंग कंपाउंड डालते हैं, ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि पीक्यूसी का प्रैक्टिकल वीडियो, पीक्यूसी का लेइंग कैसे करते हैं, मैकेनिकल पेवर का इस्तेमाल करके पीक्यूसी का लेइंग कैसे करते हैं, उसके साथ ही पीक्यूसी क्या है उसमें बेसिक जो टर्म्स है डॉल बास क्यों यूज किया जाता है, सेपरेशन मेंबर क्या है, उसके साथ ही ग्रो गटिंग क्यों किया जाता है, सीलन फिलिंग, वो सब हमने देखा। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लेकिन साइड का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।